कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा समेत ज्यादातर नदियां उफान पर है। 29 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है, जिससे लाखों लोग प्रभावित है। बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। सुपौल में कोसी का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा, वहीं गांव में भरते पानी की वजह से लोग दहशत में हैं। कोसी में 58 साल बाद आए तूफान ने बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया। वहीं हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में बाढ़ का कहर है। हर जगह सैलाब नजर आ रहा है। दरअसल पहली तस्वीर की बात करें जो सुपौल से है, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, वही मधेपुरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, जहां पर बाढ़ में फंसे लोग अपने घर को और अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे जगहों पर पलायन करने को मजबूर है। वही पूर्णिया में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरभंगा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलाब में कहीं गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही है, तो कहीं लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सीतामढ़ी में भी कुछ यही गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, और ऐसे में अब कटाव भी हो रही है, और ऐसे में यह बेहद ही चिंताजनक है। बगहा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। शिवहर में भी कुछ यही हाल है, और बिहार की ये तमाम जगह है, तमाम जिले हैं जहां से पानी की खबर और बाढ़ की खबर आ रही है, और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है जल प्रलय देखने को मिल रहा है। खगड़िया, मोतिहारी, सोनपुर, गोपालगंज, बेतिया, सिवान, छपरा और मुंगेर, यह वो तमाम जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, और लोगों में त्रासदी है। लोग महानंदा की मार से लोग नदी का पानी जो है लोगों के घरों में घुस आया है, और बाढ़ की चपेट में आने से लोग काफी परेशान है। कई लोगों के घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं लोग पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण लेने के लिए कई और पलायन करने को मजबूर है। आफत के बाद बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा समेत ज्यादातर नदियां उफान पर है। 29 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है, जिससे लाखों लोग प्रभावित है। बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। सुपौल में कोसी का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा, वहीं गांव में भरते पानी की वजह से लोग दहशत में हैं। कोसी में 58 साल बाद आए तूफान ने बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया। वहीं हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में बाढ़ का कहर है। हर जगह सैलाब नजर आ रहा है। दरअसल पहली तस्वीर की बात करें जो सुपौल से है, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, वही मधेपुरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, जहां पर बाढ़ में फंसे लोग अपने घर को और अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे जगहों पर पलायन करने को मजबूर है। वही पूर्णिया में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरभंगा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलाब में कहीं गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही है, तो कहीं लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सीतामढ़ी में भी कुछ यही गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, और ऐसे में अब कटाव भी हो रही है, और ऐसे में यह बेहद ही चिंताजनक है। बगहा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। शिवहर में भी कुछ यही हाल है, और बिहार की ये तमाम जगह है, तमाम जिले हैं जहां से पानी की खबर और बाढ़ की खबर आ रही है, और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है जल प्रलय देखने को मिल रहा है। खगड़िया, मोतिहारी, सोनपुर, गोपालगंज, बेतिया, सिवान, छपरा और मुंगेर, यह वो तमाम जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, और लोगों में त्रासदी है। लोग महानंदा की मार से लोग नदी का पानी जो है लोगों के घरों में घुस आया है, और बाढ़ की चपेट में आने से लोग काफी परेशान है। कई लोगों के घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं लोग पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण लेने के लिए कई और पलायन करने को मजबूर है। आफत के बाद बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा समेत ज्यादातर नदियां उफान पर है। 29 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है, जिससे लाखों लोग प्रभावित है। बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। सुपौल में कोसी का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा,
वहीं गांव में भरती पानी की वजह से लोग दहशत में हैं। कोसी में 58 साल बाद आए तूफान ने बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया। वहीं हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में बाढ़ का कहर है। हर जगह सैलाब नजर आ रहा है। दरअसल पहली तस्वीर की बात करें जो सुपौल से है, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, वही मधेपुरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है जहां पर बाढ़ में फंसे लोग अपने घर को और अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे जगहों पर पलायन करने को मजबूर है। वही पूर्णिया में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरभंगा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलाब में कहीं गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही है तो कहीं लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सीतामढ़ी में भी कुछ यही गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और ऐसे में अब कटाव भी हो रही है और ऐसे में यह बेहद ही चिंताजनक है। बगहा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। शिवहर में भी कुछ यही हाल है और बिहार की ये तमाम जगह है, तमाम जिले हैं जहां से पानी की खबर और बाढ़ की खबर आ रही है और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है जल प्रलय देखने को मिल रहा है। खगड़िया, मोतिहारी, सोनपुर, गोपालगंज, बेतिया, सिवान, छपरा और मुंगेर, यह वो तमाम जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और लोगों में त्रासदी है। लोगों महानंदा की मार से लोग नदी का पानी जो है लोगों के घरों में घुस आया है और बाढ़ की चपेट में आने से लोग काफी परेशान है। कई लोगों के घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं लोग पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण लेने के लिए कई और पलायन करने को मजबूर है। आफत के बाद बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा समेत ज्यादातर नदियां उफान पर है। 29 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है जिससे लाखों लोग प्रभावित है। बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। सुपौल में कोसी का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा। वहीं गांव में भरती पानी की वजह से लोग दहशत में हैं। कोसी में 58 साल बाद आए तूफान ने बड़ी संख्या में लोगों को बेघर कर दिया। वहीं हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में बाढ़ का कहर है। हर जगह सैलाब नजर आ रहा है। दरअसल पहली तस्वीर की बात करें जो सुपौल से है, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, वही मधेपुरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है जहां पर बाढ़ में फंसे लोग अपने घर को और अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे जगहों पर पलायन करने को मजबूर है। वही पूर्णिया में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरभंगा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलाब में कहीं गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही है तो कहीं लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सीतामढ़ी में भी कुछ यही गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और ऐसे में अब कटाव भी हो रही है और ऐसे में यह बेहद ही चिंताजनक है। बगहा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। शिवहर में भी कुछ यही हाल है और बिहार की ये तमाम जगह है, तमाम जिले हैं जहां से पानी की खबर और बाढ़ की खबर आ रही है और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है जल प्रलय देखने को मिल रहा है। खगड़िया, मोतिहारी, सोनपुर, गोपालगंज, बेतिया, सिवान, छपरा और मुंगेर, यह वो तमाम जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और लोगों में त्रासदी है। लोगों महानंदा की मार से लोग नदी का पानी जो है लोगों के घरों में घुस आया है और बाढ़ की चपेट में आने से लोग काफी परेशान है। कई लोगों के घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं लोग पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण लेने के लिए कई और पलायन करने को मजबूर